ପୂରବରୁ ଲୁଣା ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବ ବାଇଶି ପାହାଚେ ମୀନ, ରତ୍ନ ସିଂହାସନେ ବରୁଣ ଦେବତା ନଥିବେ ଚକାନୟନ, ମାଳିକା ବଚନ ନ ହୋଇବ ଆନ। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। ए सुधि यानी हे ज्ञानी गुणी मंडली, गत काली गत पर्याय में आलोचना करूली ई विषय जाकु प्रभु अर्जुन आगे कहते कलिजुग गीतार से ही कथा को महापुरुष अच्युतानंद शिष्य रामदास आगे आउ कली आगत भविष्यांत मालिकार महापुरुष पुनस् कहे कलिजुगर नीति सबु वर्णे गौर ब्राह्मण वैष्णव अपूजा होइबे जेनो तेनु करी अग्नि महाकोप बही दहन करीब एनो दहन करीब सुधि जाने हे ज्ञानी गुणी मंडली महापुरुष कहते जदि देवता ब्राह्मण साधुसंतर भल लोक मानक समाज में सम्मान न रही भल साधु मानकर देवतांकर ब्राह्मण मानकर सम्मान समाज में न रही महापुरुष कहते तेणु करी अग्नि महाकोप वही दहन परिवहन अग्नि वितपात चार कारण जो देखादेव पुनश कहले यज्ञ रे अनल संतोष होइले अनल जाला संभूता जला जोगे पृथ्वी शीतल भाव रे सस्यांत मानस्र पीता सस्यांत मानस्र सस्यांत मानस्र पीता हे सुजाने सस्यांत मानस्र ये ज्ञानी गुणी मंडली महापुरुष कहते यदि यज्ञ होम करें समाज में देखु यज्ञ अनल संतोष होइले अनल जल संभूत जो यज्ञ करवा द्वारा महापुरुष कहते अनल अग्नि संतोष हूँ अग्नि संतोष हेले ये अनल जल संभूत से अग्नि अनल रु जल वृष्टि हुए इंद्र वर्षा करती सुजल वृष्टि हुए आउ जल वृष्टि हेले जल जोगे पृथ्वी शीतल भाव सस्यांत मान स्रवित पृथ्वी शांत शीतल हेले ये सुधि जाने सस्यांत मान शस्य मध्य भल हुए कि महापुरुष कहे अग्नि मुखे घृत न देवे बहुता तेणु करी अग्नि जला अल्प के स्रबीब पृथ्वी न पूरीब शस्य जीव हानि मूला शस्य जीव हानि मूला हे सुजाने शस्य जीव हानि शस्य जीव हानि मूला हे सुजाने शस्य जीव हानि मूला
महापुरुष कहिले अग्नि मुखे घृत न देबे बहुत एणु करी अग्नि जल ना अग्नि भल भाव प्रज्वलित हब ना अग्नि शांत होइकी रहिबो ना सुवृष्टि हब हब ना जदि अग्नि मुखरे जदि घृत न दिया जाए आजिकल हो ना ना ये सुधी जानी आजिकल ये धीरे 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 लोप हो जाइए समाज रु से ऋषि परंपरा से दैवी परंपरा आमर पूर्व पुरुष मान जहाँ बजे रखी थे प्रतिदिन अग्निहोत्र से माने करुथिले आउ अग्नि मुखरे घृत दान करुथिले घृत पकाउथिले ता द्वारा अग्नि शांत होउथिला अग्नि शांत भावरे रहउथिला एवं सुरुवृष्टि जल मध्य वृष्टि इंद्र ठीक से करुथिले अल्प अल्प वर्षा जाक होउछि जाक महापुरुष कहते फेरी फेरी पानी वर्षा इंद्र वृष्टि नहिबो लोक माने जदि अग्नि रे घृतदान न करती कहले पंचो महाज्ञ लोपे हो करे दीने चलु मंत्र मोड़े पैता मंत्रादि न जानिबे विदु जानी न जानिबे विदु जाने हे सु जाने न जानिबे विदु जाने न जानिबे विदु जाने हे सु जाने न जानिबे ए ज्ञानी गुणीमंडली हे सुधी जानी महापुरुष कौन समाजर लक्षण कलीजुगर ये वृद्धावस्था किभली भाव में घटव कली जुगांतकालीन घटना भाव कहे पंचु महाज्ञ लोप्य जे होइब केही न करिबे दिने ए ज्ञानी गुणीमंडली हे सुधी जानी आमर पूर्व पुरुष मान आजको अनेक वर्ष तले पंचयज्ञ करुले प्रत्येक मनीष प्रतिदिन पंचयज्ञ करिबा दरकार पांचटी यज्ञ कर आम तो गोटे यज्ञ जाणीचे अग्निकुंड घृतदान कले सी हेगला यज्ञ हाँ पंचयज्ञ रही प्रत्येक मनीष सदाचारी होगापाई हेले ये पंचयज्ञ करवा दरकार कौन कौन ना प्रथम हूँ ब्रह्मयज्ञ द्वितीय रहा देवयज्ञ तृतीय रहा ऋषि यज्ञ चतुर्थ रहा मनुष्य यज्ञ पंचम रहा भूतयज्ञ ये पांचटी यज्ञ प्रत्येक दिन जे मनीष करवा दरकार से जदि सदाचारी होगापी चाहूँगी साधा बा सदाचार जीवन जापन करने को चाहूँगी दैवी अनुदान जदि प्राप्त करने को चाहूँगी नर रु नारायण होगा जब चाहूँगी ज्ञानी गुणीमंडली ये पांचटी यज्ञ प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिदिन करने को पड़ो प्रथम है ब्रह्मयज्ञ कौन ना ब्रह्मयज्ञ कहले अध्ययन तपस्या बासब कर अध्ययन करवा गीता हो सकाल टी गीता पाठ करवा सायंका संध्या समय टी भागवत पाठ करवा परमशास्त्र भागवत अभ्यास करुवा नित्य ये परमशास्त्र भागवत को टी गोटे अध्याय पढ़वा सका गीतार गोटे श्लोक पढ़ी तार भावार्थ को पढ़वा गोटे श्लोक सका पढ़वा गीता और तार भावार्थ बुझा कौन यार अर्थ कौन संध्या समय भागवत गोटे अध्याय पढ़वा मनन चिंतन करवा महापुरुष कहते हैं आपको कहते ब्रह्मयज्ञ अध्ययन करवा पुराण शास्त्र गीता भागवत को अध्ययन करवा तपस्या करने या ब्रह्मयज्ञ कहते द्वितीय हूँ देवयज्ञ देवयज्ञ कहले कौन देवयज्ञ कौन प्रत्येक दिन आम करवा सका ब्रह्मयज्ञ सारे द्वितीय देवयज्ञ करवा दान दक्षिणा किसी करवा देवयज्ञ कहती बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की महापुरुष मैंने कहते कह बाबू से दान सुपात्र गला आम जाना आान पुण्य रही आम जाना तृतीय ये सुधी जाने तृतीय दान क्या करवा ना से असहाय लोक जे कि सहायता को कहीं ना असहाय निजे कौन सी सहाय सासा कहीं ना से भाई क्षेत्र में आम कि दान करवा तेणु महापुरुष कहते आपको ही देवयज्ञ कहती प्रत्येक दिन दान दक्षिणा किसी आम करवा आओ गुरुजन मानक सेवा जत्न करवा ये हूँ देवयज्ञ जाऊँ तो प्रथम है ब्रह्मयज्ञ द्वितीय है देवयज्ञ
ତୃତୀୟ ହେଲା ଋଷି ଯଜ୍ଞ। ଋଷି ଯଜ୍ଞ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଲେଖାପଢ଼ା କିଛି କରିବା, ଭଲ ଭଲ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଗୋଟେ ଡାଇରୀ କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ବାଣୀ କିଛି ଲେଖିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ଭଲ କଥାମାନ ଲେଖିବାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ଋଷି ଯଜ୍ଞ। ମନୁଷ୍ୟ ଯଜ୍ଞ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଆଦର୍ଶ ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ଆଦର୍ଶ ମନୁଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନୀତି ନିୟମ ମାନି ବା ସାମାଜିକ ନୀତି ନିୟମ ମାନି ବା ସଂସ୍କୃତିକୁ ମାନି ଆମର ଚଳନି କରିବା, ଆକୁ କହନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଯଜ୍ଞ, ଆଦର୍ଶ ଜୀବନଯାପନ କରିବା। ଏବଂ ପଞ୍ଚମରେ ହେଉଛି ଭୂତ ଯଜ୍ଞ। ଇଏ ଭୂତ ଯଜ୍ଞ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ କରିବା ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଆମର ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ କରିବା। ଏବଂ ଛୋଟ ମୋଟ ଯିଏମାନେ ପଶୁ ଅଛନ୍ତି, ଗାଈ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା, ଏହାକୁ କହନ୍ତି ଭୂତ ଯଜ୍ଞ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଏ ପାଞ୍ଚଟି ଯଜ୍ଞ ପ୍ରତିଦିନ କରିବା ଦରକାର। ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ କରିବ, ଦେବଯଜ୍ଞ କରିବ, ଋଷି ଯଜ୍ଞ କରିବ, ମନୁଷ୍ୟ ଯଜ୍ଞ କରିବ, ଏବଂ ପଞ୍ଚମରେ ଭୂତ ଯଜ୍ଞ ସେ କରିବ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ସେହି କଥା କହିଲେ ଯେ ପଞ୍ଚମହାଯଜ୍ଞ ଲୋପ୍ୟ ଯେ ହୋଇବ କେହି ନା କରିବେ ଦିନେ ଚଳୁ ମନ୍ତ୍ର ମୂଳେ ପଇତା ମନ୍ତ୍ରାଦି ନ ଜାଣିବେ ବିଦୁ ଜାନେ ନ ଜାଣିବେ ବିଦୁ ଜାନେ ପଢ଼ୁଆ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି କେଉଁ ନୀତି ଆଚରଣ କରିବେ ନା ପଞ୍ଚଯଜ୍ଞ କରିବେ ନାହିଁ, ଏ ନୀତିରେ ଯିବେ ନାହିଁ, ୟାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଏ ପଞ୍ଚଯଜ୍ଞକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବି। ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ସମାଜରେ? ଅରାଜକତା ଜୋରେ ବ୍ୟାପିବ, ଇନ୍ଦ୍ର ସୃବୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ, ସମାଜରେ ଅସୁରତା ଗୁଣ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ, ମଳ ମୂତ୍ର ଆଦି ମୂର୍ତ୍ତିକା ଶୌଚ ସୁକୃତ ଶୌଚ ବିଧି ହୀନା ଦନ୍ତ ଧାପନର ମନ୍ତ୍ର ପରିଚାର ହୋଇବ ସବୁ ନିଉନା ହୋଇବ ସବୁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣିମଣ୍ଡଳୀ। ଆଜି ଆମେ ରୋଗ କାହିଁକି ଭୋଗୁଛେ? ରୋଗ ହେବାର ମୂଳ କାରଣ କ'ଣ ନା ପ୍ରକୃତିର ନିୟମକୁ ଆମେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛେ। ପ୍ରକୃତିରୁ ଏମିତି ଜିନିଷ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର ଯାହା ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହିତକର ହେବ ନା? ହଳଦୀରେ ଏମିତି ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଅଛି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ମାଟିରେ ଏଭଳି ପ୍ରକୃତିରେ ଅଛି, ଏଭଳି ତା ଦେହରେ ଜିନିଷ ଅଛି, ମାଟି ଲେପନ ଆଜିକାଲି ମଧ୍ୟ ବହୁଳ ଭାବରେ ଦେଖାଦେଲାଣି, ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଏ ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି, ମାଟି ଚିକିତ୍ସା, ଜଳ ଚିକିତ୍ସା, ଏଭଳି ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ମାଟିରେ ଏଭଳି ଅଛି ଜିନିଷ ଯିଏକି ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉପକାରୀ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ମଳମୂତ୍ର ଆଦି ମୃତ୍ତିକା ଶୌଚ ସୁକ୍ତ ଶୌଚ ବିଧି ରାନା, ଆକୁ କେହି କରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଦନ୍ତ ଧାପନର ମନ୍ତ୍ର ପରିଚାର ହୋଇବ ସବୁ ନିଉଣ, ଇଏ ସବୁ ଲୋପ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇଯିବ। ମାଟି ଚିକିତ୍ସା କରିବା, ପୂର୍ବକାଳରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ମାଟିକି ଚୁଟି ଧୋଉଥିଲେ ତ ସଫା କରୁଥିଲେ, ଭଲ ମାଟି ଆଣିକି ମାଆମାନେ ସବୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଚୁଟିରେ ମାରୁଥିଲେ, ବଢ଼ିଆ ପରିଷ୍କାର ହେଉଥିଲା, ଭଲ ସବଳ ରହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାହା ନାହିଁ, ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ତାହା ନାହିଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ହେଲାଣି, ଯାହାଫଳରେ କି ରୋଗ ଆଜି ବସା ବାନ୍ଧୁଛି। ପୁନଶ୍ଚ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଦ୍ୱିଜୀୟ ସଂସ୍କାର ହୋଇବେ ପାମର ମ୍ଳେଚ୍ଛ ବୋଧିମାନ ହରି କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ
बोलाइबे पूर्ण कंधे यज्ञ सूत्र धरी कंधे यज्ञ सूत्र धरी है कंधे यज्ञ सूत्र धरी हे सुजाने कंधे यज्ञ सूत्र यज्ञ उपवीत पोईतार महात्म्य कौन यज्ञोपवीत धारण आम करुचे पूर्वकाल समस्त यज्ञोपवीत धारण करुले पोईता कांधे पकाउले आजिकल लोक तुमर कौन ब्राह्मण घर कहीं कांधे पोईता पकईच समस्त अधिकार रही कांधे यज्ञोपवीत पोईता धारण कर कहीं आम सूक्ष्म रूप से देखा गले आम शरीर में तीन क्षय पड़ी भितर इड़ा पिंला सुषमना 72,000 नाड़ी भितर जो तीनोटी नाड़ी हूँ मुख्य इड़ा पिंला सुषमना ये तीनोटी नाड़ी पोईता भाव आम भितर पड़ी आम प्रतीक रूप से उपरे गोटे यज्ञोपवीत सूतार पकईवा दरकार प्रथम गंठी हूँ ब्रह्मग्रंथी द्वितीय प्रणव द्वितीय ब्राहुति तृतीय हूँ गायत्री एभले यज्ञोपवीत साक्षात गायत्री माता मृत्युमंत प्रतीक आम संस्कृत माता हूँ गायत्री एवं पिता हूँ यज्ञ जमी स्थूल रूप से हे सुधिजने आम बापा माँ अच्छा आम जी जन्मदाता जी जन्म आम कर पितामाता सी आम स्थूल रूप से बापा माँ बर पितामाता ही पारती कि सूक्ष्म रूप से आम पितामाता किए आम संस्कृति ऋषि संस्कृति आम संस्कृति देव संस्कृति तेणु ये देव संस्कृति ऋषि संस्कृति रे ये संस्कृतिर पितामाता कि ना गायत्री हेले माँ यज्ञ हेले पिता तेणु महापुरुष कहते बाबूरे ये यज्ञ पवित्र पोईता केवल नाम को मात्र केवल ब्राह्मण बोलाइबे पुण कंधे यज्ञ सूत्र धरी केवल यज्ञ सूत्र सिना पड़ी थी कि से पोईतार महत्व बुझ नथिबे कि समस्त अधिकार रही कांधे यज्ञ पवित्र धारण करने बोलिए महापुरुष सच्चिदानंद जी की तेणु हे सुधी जाने आज तो समय होती आसंता काली परवर्ती अध्याय कलीजुगर आउ कि अनीति मान हेबो कलीजुगर आउ कि अघटन मान घटिबो कलीजुगर आउ कि अनाचार मान प्राणी आचरण करी आसंता काली परवर्ती अध्याय आलोचना करवा तो आसत आज बाणी की विराम देवा प्रभु नाम नहीं हरि हरि घोषा पाप ताप नाश शरण सरोज पादे शरण सरोज पादे ये तो बड़ी भाव आओ न मिलीब न मिलंती हरि वेदे न मिलंती हरि वेदे हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल राधे हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल सुधी जाने आज विदाय दिंतु हरिओं शांति ही शांति ही शांति ही सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।